हर माता पिता की चाहत होगी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोहित इंजीनियर बन चुका था, उसकी यूएस में अच्छी खासी नौकरी भी लग चुकी थी। यूएस पहुंचते ही मानो सपने साकार हो चुके थे। 5 ईयर प्लानिंग भी कर रखी थी उसने कि बस 5 साल यहाँ पर कमाई करनी है और उसके बाद इंडिया जाके बस जाना है। पिताजी जो मोहित के थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका एक छोटा सा 1 BHK का घर था। मोहित ने जिंदगी भर पापा को मेहनत करते हुए देखा था और सोचा था कि पापा से कुछ ज्यादा अचीव करके दिखाना है। उसके सपने बड़े बड़े, लेकिन बस घर से दूर रहकर माँ बाप की याद बहुत सताती रहती। उनसे चीप फोन कॉल्स पे बात कर लिया करता, मन भर जाता और बर्गर और पिज्जा खा के पेट भर लिया करता। फिर अचानक अकेले रहते रहते मोहित को शादी करने का विचार आया, शादी का मन बना लिया। तो माता पिता को कॉल करके कहा कि 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, इतनी छुट्टी मिली है, इसमें किसी एक लड़की को सिलेक्ट करना होगा। घर पे तो सब लोग खुशी से पागल हो रहे थे। सारी की सारी फोटोग्राफ जितनी थी वो इकट्ठी करके रख ली और जैसे ही मोहित आया सारी फोटोग्राफ्स दिखाई। अब समय कम था तो एक लड़की को सिलेक्ट तो करना था, और फिर जब सिलेक्ट हो गई तो इन लॉज के प्रेशर के कारण 2 से 3 दिन में मोहित को शादी भी करनी पड़ी। पत्नी का क्या था, पत्नी जब यूएस इनके साथ गई तो पत्नी को शहर और अपना देश तो बड़ा पसंद आया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उदास और बीमार रहने लगी। यूएस में रहते रहते इंडिया को मिस कर रही थी, तो इंडिया के लिए ट्रिप्स बढ़ी, खर्चे बढ़े। मोहित का जहां तक सवाल था, जिम्मेदारियां थी उस पे, छुट्टियां कहां मिला करती, इसलिए वो इंडिया नहीं आ पाता। और फिर कुछ ही सालों में खबर आई, माता पिता अब नहीं रहे। मोहित देर सवेर जब इंडिया पहुंचा तब तक इंतजार ना कर पाते, इसलिए सोसाइटी वालों ने अंतिम विदाई दे दी थी माँ बाप को। अपनी पत्नी की वजह से मोहित को इंडिया वापस आना पड़ा था, जबरन वापस आना पड़ा। अब इनके 2 बच्चे भी थे जिनको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एक लड़की ने एक अंग्रेज से शादी कर ली और बेटे को यूएस पसंद था तो अकेले और खुशी खुशी जीने लगा था। कुल मिलाकर अब मोहित 7 साल के हैं। 7 साल में इंडिया में इनका खुद का घर है और घर से सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, मंदिर जाने के लिए। इनकी जो पत्नी थी वो इन्हें छोड़कर ऊपर वाले के यहाँ जा चुकी है। मोहित कभी कभी अकेले में बैठ के सोचते हैं कि ये सब किया तो क्यों किया। मेरे पिता के पास भी एक खुद का घर था, मेरे पास भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास एक बेडरूम ज्यादा है। एक एक्स्ट्रा बेडरूम के लिए जीवन दांव पे लगा दिया, पत्नी और बच्चों को खो दिया, माता पिता को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाया। अर्थात वो कहते हैं ना, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड लाइक 94.3 MyFM कहता है, डोंट एवर कम अंडर प्रेशर, स्टार्ट लिविंग। इतनी सी प्रार्थना मेरी ओर से हर किसी के लिए कि ऊपर वाले सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना ना देना कि आस्था ही मिट जाए। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से। किसी ऐसे बेटे या बेटी को जरूर से भेजेगा ये कहानी जो अपने माता पिता से दूर है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर है, अनकंडीशनल प्यार से दूर है।